प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में बनी चेनानी नाशरी सुरंग का उद्घाटन किया। इसके साथ ही देश की सबसे लंबी सुरंग रविवार को यातायात के लिए खोल दी गई। ये सुरंग जहां देश की सबसे लंबी सुरंग है, वहीं इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित भी कहा जा रहा है। करीब 3,000 करोड़ की लागत से ये सुरंग उधमपुर जिले के चेनानी और रामबन जिले के नाशरी के बीच बनी है। इस सुरंग में यातायात शुरू होने के बाद उधमपुर और रामबन के बीच की 41 किलोमीटर की दूरी घटकर करीब 11 किलोमीटर रह गई है और ये दूरी महज 10 मिनट में तय की जा सकेगी। सभी 12 सुरंगों का निर्माण पूरा होने के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच की 293 किलोमीटर की दूरी घटकर 231 किलोमीटर रह जाएगी, जिसे करीब 4.5 घंटे में तय कर लिया जाएगा। करीब 11 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को सड़क हादसा ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ऑस्ट्रिया की नई सुरंग टेक्नोलॉजी से बनी इस सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों का संचालन एक सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। इतना ही नहीं, सुरंग में विशेष कैमरे लगे हैं जिससे वाहनों की गिनती की जाएगी और उसी के हिसाब से वाहनों की स्पीड लिमिट तय की जाएगी। इस सुरंग में करीब 124 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इनके साथ ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा है, जिसके जरिए सुरंग के भीतर हर गाड़ी की गतिविधियां कैद हो सकेंगी। इसके अलावा पूरी सुरंग में 29 क्रॉस ओवर पैसेजेस बनाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ आपात स्थिति में किया जा सकता है। इन रास्तों के जरिए सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सकता है या लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सकती है। सुरंग के बाहर दोनों तरफ पैन टिल्ट जूम कैमरे लगाए गए हैं, जो 360 डिग्री पर गाड़ी की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। सबसे खास बात यह है कि चेनानी नाशरी सुरंग में न सिर्फ मोबाइल बल्कि इंटरनेट भी काम करेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।